ਬਿਲੋ ਬੱਗੇ ਬਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਬੱਗੇ ਬੱਗੇ ਬਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਮੋਏ 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 घर वाले इस चीज को फैमिली सपोर्ट नहीं करते। अच्छा। हाँ जी, तो फिर मैंने कहा यार मैं तो हो रहा हूँ बस, मैं क्या करूँ, मैं तो शौक का कोई मूल नहीं है। इनकी पिंकी पंकी, इनकी पिंकी पंकी, डैडी बॉट डंकी, डैडी बॉट डंकी, डंकी डाय डैडी क्राय, इनकी पिंकी पंकी, इनकी पिंकी पंकी, तू नहीं तो यार ये हवा क्या करूं क्या करूं, दूर तुझसे मैं रहके बता, सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा, बीगा बीगा है समा ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सोनू डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट समीरा लतीफ कवाल। आज मैं मौजूद हूं कवाल अजय शाह के साथ, जो उनकी स्पेशलिटी है वो ये है कि वो पुराने कवालियों को उठाकर नई ट्रेंडिंग मीम्स के साथ मिक्स करते हैं और नए नए गाने ईजाद करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये कब से कर रहे हैं और कैसे कर लेते इतना? ये दिमाग से करते हैं, दिमाग से करते हैं। लेकिन मतलब ख्याल कैसे आता है कि भाई पुराने गानों के साथ रिमिक्स करके उसको तोड़ मरोड़ के नए नए गाने जात कर देना? मैं शुरू में ही सीरियस काम करता था, मतलब सीरियस कवाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की सारी चीज़ें, लेकिन इसका ना रुझान कम था। मैंने कहा यार थोड़ा सा डिफरेंट करें, कोई खिचड़ी छिचड़ी पकाएं। और खिचड़ी पकाई तो एक अभी छोटी सी छोटी हांडी पकाई तो वो हांडी लोगों ने पसंद की, मतलब बिल्लो बगे बिल्लियाँ वो तो काका ने गाया, लेकिन मैंने कहा इसको कवाली पर लेके आऊँ। तो अचानक ख्याल आया सर, अब मैंने कहा म्यूजिशियन को, मैंने कहा यार ये ठेका तो लगाओ, उसने ठेका लगाया, वो रचाओ बना अपनी तरफ से, उसकी कंपोजिशन चेंज की, तो वो एक क्लिक होता है स्टार्ट वाला बटन, वो जो बिल्लो बगे बिल्लियाँ यही लाइन जो है वो काफ़ी लोगों ने सुनी, उसको सराहा, बड़ा मज़ा आया लोगों को भी, मेरे चाहने वालों को भी। अच्छा, वैसे जो पहला गाना वायरल हुआ था वो सुना है ना हमें? वो बिल्लो ही था, बिल्लो बिल्लो सुनाया। इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए, फिर बिलो बगे बिलियां दा की करेगी, बगे बगे बिलियां दा की करेगी, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ बिलो हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बिलो बगे बिलियां दा की करेगी, बगे बगे बिलियां दा की करेगी। इंस्पिरेशन कौन था, चाहत फतेह अली खान से तो इंस्पायर नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं क्लासिकल, मुझे सारी चीजें आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सारी कवालियां गाता हूँ, बस सुरीले हैं वो बेसुर नहीं है, बस वो एक क्लिक होने की बात है। वैसे टिकटॉक्स कब से बना रहे हैं, कितना अरसा हो गया है? मैं तो तकरीबन 4-5 साल से बना रहा हूँ, लेकिन व्यू नहीं थे आते। कितने व्यूज आते थे पहले पहले वीडियोस में? 50, 100, 150। जो मेरी वायरल वीडियो होती थी ना, मुझे फख्र होता था कि 500 पे चलेगी, तो वो 500 तक जाती थी। तो पहली जो वीडियो वायरल हुई थी उसके कितने व्यूज आए थे? पहली जो अभी जो रिसेंटली हुई है वो बिलो बगे बिले में, उसके 1.3 मिलियन। जब पहली वीडियो वायरल हुई थी तब लोगों का कैसे रिएक्शन मिला था? लोगों ने ये कहा था पाकिस्तान, मेरे जो फेवरेट कमेंट था ना, सारी जो तकरीबन 40,000 कमेंट्स में से एक मेरा फेवरेट जो कमेंट था वो ये था कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो दुनिया में हर तरफ से हर लिहाज से आगे हैं। ये किसी भी चीज़ को तड़का लगाते हैं या कोई भी फील्ड है उसमें अपना आप जो है ना बनाते हैं और मनवाते हैं। तो उसने ये कमेंट मुझे पसंद आया। अच्छा, वैसे एक बात बताएं कि वायरल होने के बाद वो कौन सी चीज़ मिस करते हैं कि जब आप वायरल नहीं थे और वो किया करते थे पर वायरल होने के बाद अब नहीं कर सकते? आजादाना घूमना।
हाय हाय हाय, लोग पहचान लेते हैं? मास्क पहन के भी पहचान लेते हैं। मैंने मास्क पहना और मार्केट गया हूं, वो बिल्लो बगे बिल्ले वाला आ रहा है। आप क्या अपने नाम से नहीं पहचानते? अपने नाम से बिल्ले बगे तो खत्म हो गया। अच्छा, आप हमें वो मोई मोई सुनाए ना जो आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है। अच्छा जी, कल मैनू एक कुड़ी मिली जिदे गल्ला दे विच टोए moy 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 moy, oh kal mainu ik kudi mili jinne gallan de vich koi moy 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 moy, mujhe pata nahi tha aaj uski shaadi hai, hai 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 hai, mujhe pata nahi tha aaj uski shaadi hai, to fir maine kya kaha, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, कल मैनू एक कुड़ी मिली जिंदे गल्लां दे विच टोए मोए 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 मोए। वैसे घर वालों को क्या रिएक्शन देखने को मिला था जब पहली वीडियो वायरल हुई थी? घर वाले इस चीज को, मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, तो फिर मैंने कहा यार मैं तो हो रहा हूँ घर में, मैं क्या करूँ, मैं तो शौक का कोई मूल नहीं है। हाँ। तो कर रहे हैं, अब भी वो मना लूंगा मैं आहिस्ता आहिस्ता। वो पिंकी पिंकी पोंकी वाला भी सुना दे। मैं टिकटॉक यूज कर रहा था। हाँ। तो अचानक से ना एक हबशी बड़े होंठों वाला ना नमूदार हुआ। अच्छा। छोटे छोटे दो बच्चे लेके पीछे। हाँ। सीरियस होकर खड़ा है। तो मैंने कहा ये अल्लाह ही खैर करे। जब उसने बोला ना इंकी पिंकी पोंकी, मैंने कहा ये क्या है, फिर मैंने कहा इसको कवाली पे बनाते हैं। असल में वो गाना कौन सा इंडिया का बड़ा मशहूर है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए, इंकी पिंकी पंकी डैडी बॉट डंकी, डैडी बॉट डंकी डंकी डाए डैडी चाए, इंकी पिंकी पंकी खान को कवाल का जो है वो बादशाह माना जाता है। जी बेशक। उनकी कोई कवाली को रिमिक्स करें ना किसी मीम के साथ, ट्रेंडिंग मीम के साथ। हाँ जी, सांसों की माला एक कवाली है। हाँ हाँ। सांसों की माला पे सिमरू मैं अपना नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं अपना नाम, चल रहे हैं हालात कैसे चल रहे हैं, पैकेज सस्ते हैं मोबाइल के और आटा महंगा है। हाँ। कैसे कैसे, बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान, बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान, बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान, कैसे आटा महंगा, आटा महंगा टिकटॉक सस्ती, ये है पाकिस्तान, बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान। आखिर में लोगों को गुड बाय करें, कुछ अच्छा सा गा के सुनाएं। हाँ जी, वही सिर्फ दूर खड़े हैं आते नहीं, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसी भी है तू कहां,